Good morning, class 4s. Welcome back to your SST exercise. And children, today we are going to start with a new chapter, which is chapter number 8, the coastal plains and islands. In my previous video, children, we all have completed chapter number 7. And today we are going to start with chapter number 8. So children, take out your SST books, open page number 16. And take a pencil in your hand. So let's start with the reading and explanation of this chapter, children. First, we are having the topic, which is the coastal plain. Let's start with the reading. The southern plateaus cover most of the southern India. They are bordered by the narrow coastal plains on the eastern and the western side. इसका मतलब जो southern plateaus होते हैं, वो covered होते हैं southern India से. वो cover करते हैं most of the southern India. और जिन चीजों से वो बॉर्डर होती हैं वो होती हैं नैरो कोस्टल प्लेन्स जो कहाँ होते हैं ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में. अब कोस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोस्ट? कोस्ट किसे कहते हैं? द लैंड बिसाइड और नियर अ सी और एन ओशन. वो लैंड बिसाइड और नियर द सी और एन ओशन. क्या होता है कोस्ट? कोस्ट वो लैंड होता है विच इज बिसाइड और नियर द सी और एन ओशन. ऐसा ऐसी जमीन जो किसी समुद्र या किसी भी छोटी आप ले कह लो रिवर कह लो उसके आसपास होती है. India has long coastline stretching from West Bengal in the east, going all around the Indian Peninsula up to Gujarat in the west. और India की सबसे लंबी coastline है जो stretch करती है West Bengal in the east और वहाँ से वो जाती है Indian Peninsula up to Gujarat in the west. You have to underline this whole paragraph. So the main advantages of a long coastline are. अब long coastline के क्या advantages? Ports can be set up and ships can be used to transport large quantities of goods within and outside the country. अब इन कोस्टलाइन के एडवांटेजेस पहला ही होता है कि वहां पे पोर्ट्स को सेटअप कर सकते हैं. पोर्ट्स यानी जहां पे ships से अच्छी क्वांटिटी में सामान उतरता है और ये कंट्री के अंदर भी हो सकता है और कंट्री के बाहर भी हो सकता है. लॉन्ग कोस्टलाइंस विच हैव एनकरेज फिशिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लॉन्ग कोस्टलाइन का ये एडवांटेज है जहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी जो सबसे लार्ज क्वांटिटी में होती है. इट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज. और जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनकी ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेन ऑक्यूपेशन होती है. द कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स. कोस्टल प्लेन्स का डिवाइडेशन होता है टू पार्ट्स में. फर्स्ट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड सेकेंड इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ओके, फर्स्ट वन इज वेस्टर्न, सेकेंड इज ईस्टर्न. सो चिल्ड्रन, क्या है वो दो पार्ट्स? वो दो पार्ट्स है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल. आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो. अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई करता है बिटवीन अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न पार्ट. बहुत सिंपल है, इसको याद करना. जैसे ही आप पढ़ोगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तुरंत याद हो जाएगा लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न पार्ट. और जब बताएगी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तो इसको भी आप आसानी से याद कर लोगे, लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट. बहुत सिंपल है, इट इज वेरी इजी टू लर्न. The coastal plains meet at the southernmost tip of the Indian Peninsula at Kanyakumari. और जो coastal plain है वो southernmost tip पे मिलता है Indian Peninsula के जो कहाँ है कन्याकुमारी. अब आ जाइए the western coastal plain. The western coastal plain originates from Gujarat in the north and passes through Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. जो western coastal plain है वो originate कहाँ से हो रहा है? गुजरात से. गुजरात के नॉर्थ से. और वो कहां से पास हो रहा है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला.
topics with you, and what you need to do is this: you have to do the reading of this chapter at your home once again. And you have to do the reading of this chapter at your home. No need to get confused. आपको जो भी words difficult लग रहे हैं, आप उसे mark कर सकते हो, मुझसे आप अपने doubts clear कर सकते हो. Okay? No need to get confused. In my next video, we are going to start with the explanation of the topics, of the further topics of this chapter. So for today, do the reading of this, do the reading of these topics, mark your doubts, okay? And if you want that, you can solve some exercises on your own also. So thank you for today, class. Have a nice day.